जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। कल आपने सुना था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, और अब आप सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। जैसा कि अब सभी जानते हैं कि इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और पुरुषोत्तम मास में किया हुआ जब तप, नियम, व्रत और भगवान के नामों का जाप, कथा सुनना, सत्संग सुनना, पुरुषोत्तम मास महात्म्य को सुनना, तीर्थ यात्रा करना, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना और जो भी धर्म कर्म के कार्य हैं, इन सब के करने से हमें 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है पुरुषोत्तम मास में। तो पुरुषोत्तम मास में कृपया भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिए, क्योंकि अगर हम इस मास में भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद आते हैं, और अगर हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं तो हम सुखी होते हैं, हमारा परिवार सुखी होता है, तो इससे हम भगवान की भक्ति में हमारा मन ज़्यादा लगता है। तो अब आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनिए, जो कि इस प्रकार है। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे नारद जी, जो कुछ भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा की। इसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान जी उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण जी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से मारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, हे भगवान श्री कृष्ण, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए, आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शांत हो गए, शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम में मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से जो प्रश्न किया वह तुमसे मैं कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो, और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है इस समय मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मल मास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मल मास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त हुआ मेरे पास आया और वैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए मुझे देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों में आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के तीसरे अध्याय को आपने सुना।
तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। तो कल हम आपके लिए लेकर आएंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा। तो आपको जब भी दिन में जब भी मौका मिले तो आप इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा को सुना कीजिए, क्योंकि इसकी कथा सुनने से हमारे जीवन में मंगल आता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएं उसको जीवन में किसी चीज़ की कमी रहने ही नहीं देते भगवान। भगवान उसके जीवन की हर आवश्यकता को स्वयं पूरा करते हैं। कर्म तो हम स्वयं करते हैं लेकिन कृपा भगवान की होती है, और जब भगवान कृपा करते हैं तो हमारे परिवार में खुशियाँ आती हैं, हमारा मन भक्ति में लगता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान की भक्ति करें और हमारा संसार का कार्य भी सही से चलता रहे। तो यह सारी कथा मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप भगवान की भक्ति करिए, औरों को लगाइए, यही जीवन का साफल्य है, इसी में जीवन का साफल्य है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।